गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान के रावलपिंडी तो 48 किलोमीटर दूर हसन अब्दाल विच स्थित है। यह सिख धर्म के सब तो पवित्र स्थानों विचों एक है क्योंकि यह उस स्थान की निशानदेही करता है जिथे धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपने पैरोकारों विच एक महत्वपूर्ण सबक का दौरा किया। गुरु नानक देव जी के हथां के निशान वाला पवित्र पत्थर अजे भी दिखाई देता है। दुनिया भर तो हजारों की गिनती विच वफादार सिख इस स्थान के दर्शन करते हैं। हालांकि साल विच दो बार विशेष समागमों दौरान इस गुरुद्वारे विच विश्व भर तो वड्डी गिनती विच सिख श्रद्धालु शामिल हुंदे हन। वधदी मंग नूं पूरा करन लई पाकिस्तानी सरकार विशेष वीजे जारी कर रही है। पंजाबी विच पंजा शब्द दा अर्थ पक्की हुई अतेली है जिसका अर्थ है पंच। गुरु नानक देव जी भाई मरदाना दे नाल विसाख संबंत 1578 ईस्वी पूर्व विच हसन अब्दाल पहुंचे। एक ठंडी छां वाले रुखां दे हेठां गुरु नानक देव जी अते भाई मरदाना ने कीर्तन करना शुरू कर दिता अते उन्हां दे शरदालू आले दुआले इकट्ठे हो गए। इस नाल वली कंधारी नूं गुस्सा आया पर ओह बेवस। कथा अनुसार भाई मरदाना नूं 3 बार वला कंधारी कोल भेजिया गया सी तां जो उसनूं अपनी प्यास बुझाउण लई कुछ पानी मुहैया करवाया जा सके। वली कंधारी ने उसकी बेनती नूं ठुकरा दिता अते उस नाल बदतमीजी की। इसके बावजूद मरदाने ने बड़ी निम्रता नाल उसकी बेनती मनी। वली ने गुस्से नाल कहा कि तुसी अपने मालक नूं क्यों नहीं पुछते। मरदाना दुखी हालत विच गुरु जी कोल परतिया ते कहा कि साहिब मैं प्यास नालों मौत नूं तरजीह दिंदा पर मैं अहंकारी वली दे नेड़े नहीं जावांगा। गुरु जी ने उत्तर दिता हे भाई मरदाना सर्व शक्तिमान वाहिगुरु का नाम जपया कर अते अपने दिल की तसली लई पानी। गुरु जी ने नेड़े पए एक वड्डे पत्थर नूं पासे कर दिता अते पानी का एक शुद्ध चश्मा निकलिया अते बेअंत वहन लग्या। भाई मरदाना ने अपनी प्यास बुझाई अते गुरु जी का शुक्रगुजार महसूस किया। दूजे पासे वली कंधारी चश्मा भी उसे समय सुक गया। जो वली ने यह देखा तो गुस्से विच उसने पहाड़ का एक हिस्सा पहाड़ी की चोटी तो गुरु जी उत्ते एक वड्डा पत्थर सुट दिता। गुरु जी ने सुटे हुए पत्थर नूं अपने हाथ नाल रोकिया अते चट्टान विच अपने हाथ की छाप छड़ दिती। वली ने यह चमत्कार देखिया अते गुरु का श्रद्धालु बन गया। यह पवित्र अते सत्कारज स्थान हुण पंजा साहिब दे नां नाल जाणिया जांदा है। गुरु नानक देव जी ने पहाड़ी दे पैरां ते संगत वल वध रहे एक वड्डे पत्थर नूं रोकण लई अपनी सज्जी बांह उची कीती। सारियां कथावां अते लोक कथावां वांग पंजा साहिब दी कहानी विश्वास तथ अते कल्प दे मिश्रण वांग जापती है। कहानी दे वक्खो वक्रे संस्करणां दे विचकार वक्खो वक्रे वेरवे हन जो कोई इंटरनेट ते सुणदा है जां पढ़दा है। 1510 अते 1520 दे विचकार किसे समय गुरु नानक देव जी ने अरब देशां दी यात्रा कीती। मक्का अते बगदाद समेत होर स्थानां दी यात्रा कीती। कुछ सुझाव देंदे हन कि उन्होंने हज भी किया सी पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। अपने विदेश दौरे तो वापस आंदे समय गुरु नानक देव जी काबल अते पेशावर विच दी लंघते हुए सिंध दरिया पार करते हुए मरगलां तो दूर एक उच्ची पहाड़ी दे तलहटी विच एक छोटे जिहे पिंड विच रुके जिथे हसन अब्दाल रहिंदा सी। गुरु जी का खुला हथ पत्थर उत्ते इस तरह छापिया गया जिवें मोम विच दबाया गया होवे। ए वेख के बाबा कंधारी नूं गुरु दी अध्यात्मक पहुंच ते होर सबूत दी लोड़ नहीं पई। ओह पहाड़ी तो हेठा उतरिया गुरु नानक देव जी दे चरण छुए अते अपने श्रद्धालुओं दे समूह विच शामिल हो गए। हत्थां दे निशान वाली चट्टान अज पंजा साहिब भवन कॉम्पलैक्स दे कंक्रीट दे ढांचे विच जड़ी हुई है।